जय हिंद। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत की जो सबसे बड़ी टेंशन थी टू फ्रंट वार, यानी अगर एक ओर से चाइना युद्ध कर दे और दूसरे ओर से उधर से पाकिस्तान भी हमला कर दे, हम ये टेंशन झेल ही रहे थे कि इससे बड़ा टेंशन चाइना के ऊपर आ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि जापान और चाइना के बीच में यहाँ पर एक द्वीप है जिसको लेकर विवाद है। इस द्वीप को चाइना कहता है कि ये मेरा है, ये दिवाऊ द्वीप है, ये चाइनीज एम्पायर यानी उसके साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि जापान का इस पर अधिकार है और जापान इसे कहता है कि ये सेनकाकू द्वीप है। एक्चुअली इन द्वीपों पर कोई रहता नहीं है, ये एकदम मतलब मानव विहीन द्वीप है, लेकिन इस द्वीप का महत्व ज़्यादा है क्योंकि उस द्वीप के अगल बगल का एरिया उसी देश का हो जाता है। अब ये जापान ने क्या किया, इस द्वीप को लेकर कुछ संशोधन कर दिए जिससे कि जापान गवर्नमेंट को इसमें पावर ज़्यादा मिल जाती है। इसको देखते हुए चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो गया। चाइना यहाँ से अपने एम्फीबियन एयरक्राफ्ट वगैरह को भेजना चालू कर दिया, अपने जितने भी जंगी जहाज और पनडुब्बियों को यहाँ लगाना चालू कर दिया। जापान ने भी क्या किया, उसने भी अपने एम्फीबियन जहाज इत्यादि को उधर से लगा दिया है। अब यहाँ पर एक वार जोन टाइप का एरिया बन गया है। और अमेरिका ने जब जापान पर बम गिराया था तो जापान ने कहा था कि हम एक ही साथ में सरेंडर करेंगे कि अगर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई देश लेता है तो हम उसको ये सुरक्षा की जिम्मेदारी दे देंगे। तो जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमेरिका ने ले लिया। अब आप कहिएगा कि सर अमेरिका क्यों लिया, तो अमेरिका जब सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा तो वहां हथियार तोप टैंक गोला बारूद रखेगा ना, और उस समय रूस जो था वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो रूस को काउंटर किया जा सकता था यहां जापान से आराम से, इसलिए जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ले लिया। अब चाइना को पता है कि जापान से लड़ने का मतलब, जापान से तो लड़िए रहे हो, वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी आ गया, और अमेरिका हर हाल में यहां आएगा ही आएगा क्योंकि उनके बीच में समझौता है, अगर आप जापान पर हमला करेंगे तो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो ये चाइना इस साइड में अब घिर चुका है। अब यहां पर वो गलवान घाटी में एक नया नौटंकी करके रखा है, आपको तो इस तो पता ही है। अब आप बताइए अगर वो गलवान घाटी में उड़ता है और इधर दोनों ओर युद्ध हो जाते हैं तो चाइना के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है इससे भी भयानक, तो बीच का तिब्बत है। ये बीच का जो तिब्बत का एरिया है ये इतनी ज्यादा हाइट पे है ये तिब्बत का एरिया कि यही ये इसके लिए एक तरह का पहाड़ का काम कर देता है। इससे उधर और उधर में ले जाने में, आर्मी डिप्लॉय करने में काफी ज्यादा समस्या आ जाती है। इसलिए अब चाइना जो है वो गलवान घाटी को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव में थोड़ा कमी लाया है, वो इसे बातचीत करके निपटाना चाहता है, लेकिन वो मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा है कि हम देख लेंगे यहां पर, उधर घिर जाएगा बहुत अच्छा है। अब चाइना क्या कर रहा है उसका ग्लोबल टाइम्स की अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, अमेरिका भारत का समर्थन करना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका देखा है कि गलवान घाटी में चाइना फंसा हुआ है, इसलिए अमेरिका जानबूझ के जापान को कहा है कि तुम इस एरिया में एग्रेसिव हो जाओ। तो भाई इंडिया भी तो कह सकता है कि चाइना हमारी गलती का फायदा उठा रहा है, हमारी पोजीशन का फायदा उठा रहा है कि भारत कोरोना को लेकर टेंशन में है, हमारे पास 4 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, तो हम लोग की इस कमजोरी का फायदा उठा के तुम भी तो घुसना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा है, नहले पे दहला, अब आइए लड़िए। बहुत कह रहे थे पाकिस्तान के लोग, कह रहे थे तुम्हें टू फ्रंट वार झेलना है, झेलिए आप अच्छा से टू फ्रंट वार। और अगर इस मुद्दे में पाकिस्तान टांग लड़ाएगा ना तो अमेरिका ने जितने भी F-16 जहाजे दे रखे हैं उन F-16 जहाजों के दम पर पाकिस्तान जो कूदता है कि हम टू फ्रंट वार खोलेंगे, उसका सारा का सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका चाहेगा तो एक बार उस सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करेगा, पूरी की पूरी जहाजे वो ग्राउंड हो जाएंगी। चाइना ने नेपाल के 10 से 11 ऐसे जगह पर हैं जहां पर वो इंक्रोच यानी बढ़ावा अपने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया है उस जगह को। रुई और टैगा जैसे गांव को तो उसने पूरी तरह कब्जा कर लिया, वहां के नागरिकों को भी अपनी नागरिकता उसने दे रखा है, लेकिन अभी कम्युनिस्ट के इशारे पे चल रही नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, जबकि भारत से इतना अच्छा रिलेशन है तो वो बांध तक के काम को रोकवा सकती है। चाइना लगातार वो चाह रहा है कि नेपाल में एंट्री किया जा सके, अब इस पर नेपाल से भी इसका विरोध होना चालू हो गया है, लेकिन केपी शर्मा ओली की सरकार पूरी तरह चीन के हाथों बिक चुकी है, वो नहीं बोलेगी। साथ ही ये जो तिब्बत का एरिया है ये काफी हाइट वाला एरिया है, यहां से बहुत सी नदियां नेपाल में आती है और नेपाल को क्रॉस करके इंडिया में भी आती है। यहां से कुछ छोटी नदियों को चाइना ने क्या किया है, इन यहां से ढाल बनाकर इसका रास्ता ही मोड़ दिया है ताकि एक प्राकृतिक बाउंड्री भी बन सके। इस पर भी नेपाल के लोगों का कुछ नहीं कहना है, नेपाल के लोगों का तो कहना है, मीडिया भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन सबको पता है कि केपी शर्मा ओली की जो वर्चस्व था उनकी पार्टी में या उनके जनता में वो गिर रहा था। इनके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए था, उनको ये मिल गया। इंडिया वो जान रहे हैं कि इंडिया अपना रिलेशन खराब नहीं करेगा इसलिए काफी नॉर्मल पेश आएगा, और वो क्या करेंगे भाई, इसी को भजा के अपने चुनाव में अपनी कुर्सी बचा लेंगे। अतः ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि गलवान घाटी में जो फिंगर एरियाज हैं और जो पांगसू लेक है वहां अभी भी विवाद गरमाया
आया हुआ है। हमारे आर्मी चीफ लद्दाख गए थे और जो सोल्जर्स थे जो हॉस्पिटल में हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है, जिन्हें छोटी मोटी चोटें आई थी, उनसे मिले, उनसे कहें भी कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन काम अभी बाकी है। अभी भी हमारे यहाँ कोर्स और कोर लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें हमारे सेना के बड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं, अभी भी इसका कोई ठोस नतीजा नहीं आया है। उधर पाकिस्तान की ओर से उच्च आयोग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब ये उच्च आयोग क्या होता है, हाई कमीशन क्या होते हैं, राजदूत क्या होते हैं, एम्बेसडर क्या होते हैं, कॉन्वॉय क्या होते हैं, कॉन्सुलेट क्या किसे कहते हैं, वीजा क्या है, अभी अमेरिका ने H-1B वीजा पे अपना जो कटौती किया उसके लिए भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।